टुडे रीडिंग क्लास 9 सेक्शन बी सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन 3 10.3 का गिवन इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कर्व। कह रहे हैं दो सर्कल जो है दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करते हैं और इनके जो सेंटर के मिलाने वाली लाइन है वह इस कर्व पर कर्व को बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर है इस पर। गिवन क्या है कि टू सर्कल्स हैं जिनके सेंटर हैं, तो हमने लिख दिया है टू सर्कल ऑफ सेंटर पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी। प्रूव है पी क्यू बाइसेक्ट ए बी और ए टी इक्वल टू बी टी, हमें प्रूव करना है एंड पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी। सोल्यूशन है ज्वाइन ए पी ए क्यू बी पी एंड क्यू बी इन ट्रायंगल पी ए क्यू, ऊपर वाला ट्रायंगल होगा, एंड ट्रायंगल पी बी क्यू पी ए इक्वल टू पी बी ए क्यू इक्वल टू बी क्यू रेडियस ऑफ सेम सर्कल्स। पी क्यू इक्वल टू पी क्यू कॉमन, सो ट्रायंगल पी ए क्यू कॉन्गुरेंट एंगल पी बी क्यू बाई एस एस यस, देयर फोर कॉन्गुरेंट हो गए तो देयर फोर एंगल यह इक्वल टू एंगल यह, यानी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। इस एंगल को और भी मैं लिख सकता हूँ अलग तरीके से, एंगल ए पी टी इक्वल टू एंगल बी पी टी बाई सी पी सी टी। नाउ ट्रायंगल ए पी टी एंड बी पी टी, अब ए पी टी और बी पी टी ले रहे हैं, डायरेक्ट इसे नहीं ले सकते थे, रूप तो हमें इसी में करना है, यह इक्वल है और पी टी जो है परपेंडिकुलर है, या ये कहें कि पी क्यू परपेंडिकुलर है ऑन ए बी। नाउ ट्रायंगल ए पी टी एंड बी पी टी, ए पी इक्वल टू बी पी रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एंगल ए पी टी इक्वल टू बी पी टी यह बाई प्रूव्ड है। पी टी इक्वल टू पी टी कॉमन साइड है इस, सो ट्रायंगल ए पी टी कॉन्गुरेंट एंगल बी पी टी बाई यस ए एस कॉमन यस ए यस क्राइटेरिया। अब मैं आगे इसे प्रूव करना है वो प्रूव करता हूं, देयरफॉर ए टी इक्वल टू बी टी बाई सी पी सी बाई सी पी सी टी, यानी प्रूव हुआ इससे एक चीज और प्रूव हुआ, एंगल पी टी ए एंड एंगल पी टी ए इक्वल टू एंगल पी टी बी यह भी बाई सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्गुरेंट ट्रायंगल रूप से। बट एंगल पी ए पी टी ए प्लस एंगल पी टी बी इजिकल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल रूल से, ये दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर एंगल हैं। अब ये दोनों इक्वल भी हैं लीनियर पेयर में, इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, एंगल पी टी ए प्लस एंगल पी टी ए इजिकल टू 180
imply that angle PDA is equal to 180 upon angle 2 is equal to 90. So PQ perpendicular bisect bisects bisects a part यहाँ ये इक्वल टू ये आ गया है, इससे बाइसेक्ट प्रूफ हो गया। यहाँ 90 आ गया डिग्री एंगल, यही इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल पी डी ए डी पी डी ए लिखा दिया पी टी डी परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट। अब आते हैं आपके एक्सरसाइज 10.4 का, ये लास्ट क्वेश्चन था 10.3 का तीसरा क्वेश्चन। दो ही बताऊंगा क्योंकि समय लगता है। इसमें एक थ्योरम स्टेटमेंट है, थ्योरम स्टेटमेंट है इक्वल पावर ऑफ सर्कल, थ्योरम स्टेटमेंट ऑफ सर्कल equidistant from the center are equidistant from the center. ये कह रहे हैं सर्कल में जो कार्ड इक्वल हैं, ये दो कार्ड में ले ले रहा हूँ ऊपर ए बी और सी डी, यह सेंटर से समान दूरी पर है, जितनी दूरी इधर है उतना ही दूरी इधर है, यानी हमें ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू प्रूफ करना है। गिवन है ए बी एंड सी डी आर द इक्वल कार्ड parts of the circle to prove OQ is equal to OP, यही मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ देखें, join OA and OC, इसे OC और OA को join कर देते हैं, join OA and OC,
Now, in triangle AOQ and triangle COP, AO is equal to OC, radius of same circle. AQ is equal to CP. By theorem, थ्योरम में आपने पढ़ा कि सेंटर से अगर कार्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाए तो कार्ड जो है वो बाइसेक्ट हो जाता है। तो यह कार्ड है और वो भी इक्वल कार्ड है। इसका हाफ है, ए बी का हाफ है, ए बी का y term 10.1 and half equal by equal power 10.35 से आप हमें जाना कि bisect कर देता है और half है AB और CD का और ए बी और सी डी इक्वल कार्ड है। सो ट्रायंगल ए ओ क्यू कांगुरेंट ट्रायंगल सी ओ पी बाई आर एच एस, आर एच एस रूल से हुआ क्योंकि तो यह एक राइट ट्रायंगल है। तो इक्वी डिस्टेंस कर रहे थे, डिस्टेंस जब देखी जाती है तो परपेंडिकुलर देखी जाती है हमेशा। ये नहीं कि आप चाहे जैसे तिरछा इधर उधर घूम करके वहां पहुंचे, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होगी तो परपेंडिकुलर होगी। पीछे एक जगह आपने पढ़ा भी है शायद, है कि नहीं, इससे शायद शायद निकल गया है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वह स्मॉलेस्ट होती है सबसे, यानी कहीं से भी किसी भी रेंज को देखा जाए तो जो सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, या वो जो है सबसे कम दूरी की। तो ये दोनों जो है परपेंडिकुलर थे, इसलिए 90-90 हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में केवल हाइपोटेनियस और अदर वन साइड इक्वल होने पर वह कांगुरेंट हो जाता है। therefore OQ is equal to OP, तब OQ जो है OP के इक्वल होगा। hence जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। हमें वो पीस पर वो पी प्रूव करना था, इक्वी डिस्टेंस है ये। तो एक क्वेश्चन और एक थ्योरम बताया, दोनों काफी बड़े हैं इसलिए आगे बताना संभव नहीं है। भेजना दहिंद।